आज मैं आपसे साबूदाना कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये टेस्ट में बहुत ही मजेदार होते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाते हैं। आप इसे व्रत में तो बना के खा ही सकते हैं, उसके अलावा आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी बना के खा सकते हैं। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं साबूदाना कटलेट। साबूदाना कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप साबूदाना लिया था, जिसे कि मैंने 5-6 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। यह अच्छे से भीग चुका है और मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें कि मैंने बॉईल कर लिया है। 1/4 कप मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर लिया है और सेंधा नमक लिया है। तो हमारी सारी सामग्री तैयार है, चलिए फिर साबूदाना कटलेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बोल लिया है। अब हम साबूदाने को हाथों से अच्छी तरह निचोड़ कर बोल के अंदर डाल देंगे, ताकि साबूदाने में जो भी पानी रह गया होगा वो बाहर निकल जाएगा और हमारे जो कटलेट हैं वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। तो मैंने साबूदाना को अच्छे से निचोड़ कर बोल के अंदर डाल दिया है। अब हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे उसे हम बोल के अंदर ग्रेट करके डाल देंगे, ताकि वो साबूदाने के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो आलूओं को मैश करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने सभी आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर दिया है। अब हम इसके अंदर बाकी की सामग्री भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 2 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। अब हमने जो हरी मिर्च काट के रखी थी उसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और लास्ट में हमने जो हरा धनिया काट के रखा था उसे भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो हमने सारी सामग्री डाल दी है इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर मूंगफली को दरदरा पीसकर भी डाल सकते हैं, और अदरक डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, या फिर और दूसरे मसाले डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे व्रत के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। अब हम साफ हाथों से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका एक डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसके कटलेट बनाएंगे। तो कटलेट बनाना शुरू करने से पहले हम दोनों हथेलियों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि जो कटलेट का मिक्सचर है वो हमारी हथेलियों पे नहीं चिपकेगा। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर हल्के हाथों से एक बॉल बना लेंगे। फिर इसे हल्के हाथों से इस तरह से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और फिर इसके सभी किनारों को अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। हमारा कटलेट बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम साइड में रख देंगे और इसी तरह से बाकी कटलेट भी बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल को एक पैन में डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं कटलेट्स को यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम कटलेट को ऑयल में डाल देंगे। सभी कटलेट्स को एक साथ पैन के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि साबूदाना चिपकता है, इसलिए कटलेट्स के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अगर आप कटलेट्स को डीप फ्राई कर रहे हैं तब भी आप कढ़ाई के अंदर सभी कटलेट्स को एक साथ मत डालिएगा। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करेंगे। जब 30 सेकेंड हो जाएंगे तो हम कटलेट्स को पलट देंगे और इन्हें दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो बस हम इन्हें ऐसे ही हर थोड़ी देर में पलटते रहेंगे और इनकी दोनों तरफ से सिकाई कर लेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें पैन से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के कटलेट्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे कुरकुरे से साबूदाना कटलेट बनके बिल्कुल तैयार है, और इन्हें मैं यहाँ पर हरी चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। इसे भी मैंने व्रत के हिसाब से बनाया है, तो अगर आप हरी चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप व्रत में साबूदाना खिचड़ी खा के बोर हो चुके हैं तो आप ये साबूदाना कटलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साबूदाना कटलेट कैसे बने।
वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी रेसिपीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।